नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अभय केसरी। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर नरेंद्र। खबर यूपी के जनपद अमरोहा से, जहां आज भारतीय किसान यूनियन संकर के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम अपनी मांगों का एक मांग पत्र उप जिलाधिकारी अमरोहा को सौंपा। यह तस्वीरें हैं जिला कलेक्ट्रेट परिसर अमरोहा की, जहां आज भारतीय किसान यूनियन संकर के सैकड़ों कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह के नेतृत्व में एकत्र हुए और एक विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत रहते हैं, अपनी मांगों को लेकर बातचीत करते रहते हैं, प्रशासन के सामने अपने मुद्दों को उठाते रहते हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किसानों का सामाजिक व आर्थिक स्तर सुधारने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें प्रमुख रूप से पीएम सम्मान निधि योजना, पीएम कुसुम सोलर पैनल योजना किसानों के लिए संजीवनी साबित हुई है, परंतु योजनाओं को धरातल पर लागू करने की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का घुन लग गया है, इसलिए इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस दौरान उन्होंने कई बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित कराया। उन्होंने कहा, किसान हर वर्ष मार्च के महीने में बिल जमा करता है, अभी तक ओटीसी स्कीम लागू नहीं हुई है, उसको जल्द लागू किया जाए। वहीं दूसरी ओर प्रदेश भर में विद्युत विजिलेंस की टीमें छापेमारी कर आवाम व किसानों का आर्थिक उत्पीड़न कर रही है, क्योंकि छापेमारी के दौरान यह टीमें वीडियो क्लिप बनाकर अवैध उगाही का धंधा चला रही हैं, जिनमें मेन भूमिका विद्युत विभाग के जेई की होती है। ऐसी टीमों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। इस मौके पर उन्होंने बसपा सरकार में बंद हुई शुगर मिलों को भी चलाने की बात कही। प्रमुखता से उन्होंने अमरोहा चीनी मिल को जल्द शुरू करने की बात कही। साथ ही गोवंश पशुओं, खूंखार कुत्तों व बंदरों के आतंक से किसानों व आवाम परेशान है। ये सभी फसलें उजाड़ने के साथ साथ दुर्घटनाओं का भी कारण बन रहे हैं। रोजाना प्रदेश भर में सैकड़ों मौतें इसी कारण से होती हैं। इनको लेकर उचित प्रबंधन किया जाए। उन्होंने कहा कि जब मोदी सरकार व्यापारियों का हजारों करोड़ रुपया माफ कर सकती है, तो फिर किसानों के क्रेडिट कार्ड भी माफ किए जाएं। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो योजना किसानों को दी जा रही है, वह नाकाफी है, इसको बढ़ाकर 24,000 रुपए प्रति वर्ष किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, अभय केसरी, अमरोहा। जी सर, आज जो आप यहाँ पे बैठे, क्या मामला? हम सब लोग भारतीय किसान यूनियन संकर के पदाधिकारी कार्यकर्ता गण हैं। आज होली का त्यौहार है, सभी देशवासियों को यह रंगों का त्यौहार अच्छा हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं बाबा भोलेनाथ से। परंतु विडंबना देखिए, जो धरती का पेट फाड़कर पूरे देश का पेट भरता है, वो आज आंदोलन के लिए बैठा है। हम लोग बिजली का बिल भुगतान करना चाहते हैं, उसमें ओटीएस नहीं आई है, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है, फसलें हमारी छुट्टा गोवंशीय पशु उजाड़ रहे हैं, अब तो वो एक्सीडेंट का सबब भी बन रहे हैं। बंदरों का इतना आतंक है, कई माताएं बहनें ऊपर से छत से गिर के मौत के गाल में जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना को 4 वर्ष पूरे होने के बाद भी अभी मात्र 60% किसानों को ही लाभ मिल पाया है। बसपा शासन काल में 21 चीनी मिलें बंद हुई थी। हमारे सरकार के एजेंडे में स्पष्ट था कि हम सभी चीनी मिलों को चलाएंगे। 4 वर्ष हो गए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आए थे, आज तक हसनपुर का विस्तारीकरण नहीं हुआ। अमरोहा चीनी मिल जो 12 दिसंबर 2012 को बंद हुई थी, इसके सुरसुराहट की भी कोई जानकारी नहीं है। इन्हीं अहम मुद्दों के साथ जो सबसे बुरी खबर है, वो विजिलेंस टीमें गरीबों के घर जाके छापेमारी करके छोटी सी वीडियो बना लेते हैं और फिर खेल शुरू हो जाता है उनके उत्पीड़न का, जिसको भारतीय किसान यूनियन संकर बर्दाश्त नहीं करेगी और यहां से मुख्यमंत्री तक लड़ाई की जाएगी और इनको समाप्त कराया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन संकर। आपको बता दूं कि मरीजे एक्स पर रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जू जू दवा की। जैसे जैसे एजेंसियां बढ़ाई हैं, जांच एजेंसियों के बढ़ने के साथ साथ उपभोक्ताओं का उत्पीड़न शुरू हो गया है। हम अभी मिलकर आए थे
और दोबारा बुधवार को फिर जा रहे हैं विजिलेंस टीमों को पूरे प्रदेश के अंदर समाप्त कराने के लिए और किसानों की तमाम समस्याओं के समाधान कराने के लिए। आंदोलन है, चलता रहेगा जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा, जब तक धरना प्रदर्शन आंदोलन पंचायत भारतीय किसान यूनियन करती रहेगी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।